नमस्कार रिचा रियल वेजीज में आपका स्वागत है। आज मैं मैदा और चावल के आटे की जलेबी बनाने जा रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए हमने 2 कटोरी मैदा ली है, 2 चम्मच दही, आधी चम्मच गुलाब जल, आधी चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच केसर, 1 चम्मच चावल का आटा, 3 कप चीनी, 1/4 कप गरम पानी और घोलने के लिए थोड़ा पानी लिया, तलने के लिए घी। बाउल्स ले लिए एक, इसमें हमने 2 कप मैदा डाली है, दही, चावल का आटा, केसर आधी चम्मच, अब गरम पानी डालेंगे, अब इनको मिलाते जाएंगे अच्छे से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, अच्छे से घोल बना लेंगे। इस तरह का बैटर तैयार कर लिया है। अब इसे हम 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख लेंगे। अभी रेस्ट के लिए रख दिया है। 2 घंटे हो गए हैं, बैटर हमारा फूल गया है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर मिलाने जा रहे हैं। अब एक साइड में चाशनी बना लेते हैं। पहले चाशनी के लिए हमने 3 कप चीनी ली है, 2.5 कप पानी डाला है, लगातार चाशनी को चलाते रहेंगे जिससे चीनी तली में ना लगे। जलेबी के लिए हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। अब हम इसमें केसर डालेंगे। अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। चाशनी बनके तैयार है। अब इसमें हम नींबू डालेंगे। नींबू डालने से चाशनी में क्रिस्टल नहीं पड़ते। गैस को अब बंद कर देते हैं।
इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल देते हैं। एक गिलास लगा लिया, गिलास में पॉलीथिन लगा दी। इसमें हम अपना ये बैटर भर लेंगे। इस तरह टाइट करके इसमें रबर लगा लेंगे पॉलीथिन में अच्छी तरह से। गलेजी करने के लिए हमने पैन में घी डाल के रखा है, देसी घी है। इसे गैस को ऑन कर देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम ये जलेबी डालते हैं। पॉलीथिन को थोड़ा सा कट मार लेंगे, जितनी मोटी जलेबी हमें चाहिए उस हिसाब से। इसे गोल 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 करते हुए जलेबी डाल दी। जलेबी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। चार मिनट के लिए चाशनी में डाल देंगे।
4 मिनट हो गए, अब हम चाशनी में से जलेबियाँ निकाल लेते हैं। दूसरे बैच की भी जलेबी सिक गई हैं, इनको हम चाशनी में डाल लेंगे। इसी प्रकार हम अपनी सारी जलेबी सेक लेंगे। जलेबी बनके तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।